अगर मुझे पता होता मेहताब कौर का ये इरादा है तो मैं यहां कभी नहीं आता। वक्त की मार है रावा, वक्त की मार। क्या तू वो देख पा रहा है जो मैं देख रहा हूं? देख भी सकता हूं और सुन भी सकता हूं। वो साथ वो एका वो हंसी वो ठिठोले चिंता वो आंसू ये दर्द याद है, गवाह है हमारी दोस्ती का। जहां दिल बड़ा था और गुरूर छोटा, अगर ऐसा ही था तो क्यों नहीं दिखाई दिलदारी, क्यों नहीं दिखाया भरोसा? भाई माना था ना एक दूसरे को, तो क्या हो गया वीरे? ऐसा क्या हो गया कि तू मेरी इज्जत नहीं रख पाया, मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान पाया? छोटी सी बात? छोटी सी बात नहीं थी प्रभा, तू एक बिच्छू को गले लगाने की बात कर रहा था। जान बचाई थी उसने मेरी, एहसान था उसका मुझ पर प्रभा। वो सब एक दिखावा था। तुझे उसकी बात पर भरोसा है, मेरी नहीं। उसके लिए तूने मेरी औकात याद दिला दी मुझे। इल्जाम की जंग थी, कुछ तुमने कहा कुछ मैंने। कुछ कुछ नहीं प्रभा, बहुत कुछ कहा तुमने। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन तो लेता, समझ तो लेता, तो तेरा क्या जाता? हमेशा मैं ही क्यों सुनूं वीरे? तू एक बार मेरी क्यों नहीं सुन सकता? बचपन से सुनता आया हूं, गुरबख्श ये ना कर, गुरबख्श वो ना कर, गुरबख्श मेरी गल सुन। बचपन से सुनता आया, अरे खालसा फौज का सरदार चुनते वक्त सब लोग मेरे हक में बोल रहे थे सिवाय तुम्हारे। सिर्फ तुम ही थे जो मुझे जज्बाती बताकर पीछे हट गए थे। क्यों वीरे, मैं तो तब भी कुछ नहीं बोला था। प्रभा, मैंने वही किया जो तेरे लिए सही था, जो इस मिट्टी इस वतन के लिए सही था। भले बुरे की समझ क्या सिर्फ तुम्हें? प्रभा, ऐसा वैसा जैसा तैसा कुछ नहीं। मैं एक सीधा आदमी हूं और सीधी सीधी बात मुझे समझ में आती है। समझ आ गया कि तुम मेरी तरक्की से कभी खुश नहीं हो सकते। और अब तो लग रहा है कि मेरे जिंदा रहने पर भी तुम कभी खुश नहीं हो सकते।
वादों को तोल और फिर बोल प्रभा, तेरी ये बातें मुझ पे तीर की तरह बरसती जा रही हैं। ये मत भूल कि मैं वही महासिंह हूं जो तेरे लिए अपनी जान भी दे जाए। झूठ! तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया महासिंह, आज तक जो किया है मैंने किया है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अगर ऐसा ही है प्रभा, तो अभी इसी वक्त खत्म कर दे ये दोस्ती। सोच क्या रहा है प्रभा, बोल दे कि आज से ये दोस्ती खत्म। नहीं बोल सकता ना, नहीं तोड़ सकता ना इस दोस्ती को। अभी से ये दोस्ती खत्म। आखिरी बात महासिंह, तेरे और मेरे रिश्ते के साथ आज हमारे परिवारों का भी रिश्ता खत्म होता है। रंजीत सिंह को अच्छे से समझा देना कि मेहताब कौर से ना मिले। और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा।